हर जगह व्यक्तियों की जो है शिकायत देखने को मिली है, किस तरह से आगामी दिनों में उन पर प्रक्रिया की जाएगी? निश्चित रूप से हम पूरी समीक्षा करके मैं देख रहा हूँ कौन कौन सी जगह कौन कौन से कितने पद खाली है। निश्चित रूप से जल्दी हम इनमें कुछ रिक्रूटमेंट हुआ भी है और कुछ अब करने की तैयारी भी मैं निश्चित रूप से ये करके और हमारे सेक्शन इस पद्धति को सही करें, क्योंकि एनईबी क्योंकि 50% से ज़्यादा पद खाली है, सेक्शन में कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी? ये अब मैं कह रहा हूँ ना आपको, अब निश्चित रूप से हमारे कई कॉलेजों में कई यूनिवर्सिटियों में एक शिक्षा हमारी शिक्षा के बारे में मैं इसको पूरा अध्ययन करके मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी कमी है उन कमी को पूर्ति करने के लिए कुछ नया रिक्रूटमेंट करेंगे। विद्या संबल योजना के तहत भी हम कुछ व्याख्याता और प्रोफेसर लगा रहे हैं। लेकिन इसी विद्या संबल योजना का तो बीजेपी ने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान विरोध भी किया था कि नहीं ये सही नहीं है, नियमित भर्ती होनी चाहिए। नियमित भर्ती भी होनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या है कि ये विद्या संबल योजना एक हम टेम्परेरी एक एक घंटे के लिए या दो घंटे के लिए हम उनको पढ़ाई के लिए रखते हैं और उनको उसके पेमेंट देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो व्यवस्था के लिए हमारा। एक भाई साहब लास्ट प्रश्न जानना चाहूँगा अभी, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने बैक टू बैक बहुत सारे सरकारी कॉलेज खोल दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास नहीं है। जयपुर का उदाहरण ले लें, 10 खोले, केवल एक का जो बिल्डिंग है वो बनकर तैयार हो पाई है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 270 बिल्डिंग है हमारी निर्माणाधीन है और करीब उनका उद्घाटन के समक्ष आ चुकी है निश्चित रूप से, और कुछ में है जिसमें कुछ कोई डिस्प्यूट है 2-3 में, बाकी सब हम जल्दी तैयारी करवा लेंगे। भाई साहब एक सवाल, भाजपा युवाओं की बात करती है लेकिन छात्रसंघ चुनावों पर रोक लगी हुई है, आप भाजपा की सरकार आई है, ऐसे में आपका क्या निर्णय रहेगा, क्या छात्रसंघ चुनाव को फिर से हरी झंडी मिलेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के टाइम कहाँ रहता चुनाव, ये तो अभी इन्होंने चालू किया, इन्होंने बंद किया।